सब्सक्राइब कीजिए रॉकिंग फिल्म चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ लेनोवो के प्लस के और ये अपडेट के बाद आने वाले 5 जुलाई 2018 के अपडेट के बारे में। तो चलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें नई चीज क्या ऐड हुई है। इसमें जो सबसे बढ़िया नई चीज ऐड हुई हुआ है वायरलेस चार्जिंग की, और इसमें एक बैटरी सेविंग नोटिफिकेशन भी ऐड हुआ है। तो चलिए इनके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें एक सबसे बड़ा बग था कि हम जब अडैप्टिव ब्राइटनेस ऑन करते थे उसकी डिस्प्ले ऑफ हो जाती थी, जैसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे अपनी उंगली रखते थे। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, अब फिक्स हो चुकी है जुलाई अपडेट के कारण। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डिस्प्ले पे जाके, ये देखिए मेरा अडैप्टिव ब्राइटनेस ऑन है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और फिर से ऑन कर देता हूँ, और मैं अपनी उंगली प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे रखता हूँ और अभी ब्राइटनेस जो है धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ब्राइटनेस धीरे हो रही है धीरे धीरे, और अभी यह पूरी डिम हो चुकी है, इससे ज्यादा नहीं हो रही। और यह पहले था कि जैसे ही हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे अपनी उंगली रखते थे तो वह ऑफ हो जाती थी और बिल्कुल भी शो नहीं हो रही थी। तो वह फिक्स हो चुकी है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं फिर से ब्राइटनेस जो है तेज होने लगी है। और 5 जुलाई 2018 के अपडेट में इसमें एक नई चीज ऐड हुई है जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो स्प्लिट स्क्रीन है। तो एडवांस में जाके आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले तो यहाँ पे लाइट का ऑप्शन ही केवल आता था नीचे, और अब इसमें आने लगा है वीआर ग्लासेस स्प्लिट स्क्रीन मोड। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यह इस पे आप ऑन ऑफ का बटन देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि पावर की होल्ड करने पर भी आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसमें यह एक नई चीज ऐड हुई है। तो चलिए अब हम इसका रिबूट टेस्ट करते हैं कि यह कितना टाइम ले रहा है रिबूट होने में। तो रिस्टार्ट करते हैं इसको और पता करते हैं कि यह कितना टाइम ले रहा है। इसको रिबूट होने में काफी समय लग रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हालांकि यह पहले के अपडेट में काफी जल्दी रिबूट हो जाता था, लेकिन अपडेट के बाद यह एक नया इशू आ गया है इस लेनोवो के प्लस में। और यह अपडेट के बाद एक नई चीज देख सकते हैं जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसमें वह नई चीज क्या है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पे, यहाँ पे आपको साउंड पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एडवांस में जाना पड़ेगा। एडवांस में आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग साउंड, तो यह ऑप्शन कैसे ऐड हो सकता है। सो हो सकता है कि इसे वायरलेस चार्जिंग के लिए भी अपडेट किया गया हो, लेकिन कैसे कर सकते हैं वायरलेस चार्जिंग, सो इसका कोई वो तो मिला नहीं है हमें। तो लेकिन यह ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अदर साउंड एंड वाइब्रेशन में, जो यह एक ऑप्शन ऐड हुआ है इसमें। बाकी सारे ऑप्शन पहले से थे, लेकिन यह एक ऑप्शन बाद में ऐड हुआ है, लेकिन इसका मेन मतलब हमें नहीं पता चला है कि यह क्यों ऐड हुआ है। क्या यह वायरलेस चार्जिंग हो सकता है फोन, इसके लिए तो कोई जानकारी मिली नहीं है। 5 जुलाई 2018 के इस अपडेट में जो सबसे बढ़िया चीज ऐड हुई है वह है बैटरी सेविंग के लिए। सो जिसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे बैटरी बनी हुई है, और इसको बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये पावर रिमाइंडर पावर इंटेंसिव एप्स डिटेक्टेड, जो यह बता रहा है कि
बैटरी की ज्यादा खपत कर रहा है जो ऐप, तो चलिए यह कैसे काम करता है उसके बारे में बताते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा चेकआउट। चेकआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए स्वेट स्नैप जो प्रोसेसिंग सीपीयू इन द बैकग्राउंड, और इसको आपको बंद करने के लिए ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना पड़ेगा। और ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते ही या बैकग्राउंड में बंद हो जाएगा। ये देखिए एवरीथिंग इज ओके एट द मोमेंट। सो इस नोटिफिकेशन से आप बैकग्राउंड में चल रहे ऐप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो यह इस अपडेट की सबसे बढ़िया बात है। सो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।